बिहार में बीते दिनों में कथित जहरीली शराब पीने से 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई। शराब बंदी वाले राज्य में जहरीली शराब पीने से एक के बाद एक लोगों की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। विपक्ष पहले से ही इस मामले में सरकार को घेर रहा था। वहीं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को मंत्री के भाई से जुड़े शराब मामले की याद दिलाकर कार्रवाई की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, मुख्यमंत्री गड़बड़ पर जब बड़बड़ प्रवचन दे रहे थे तो इनके बगल में जो भाजपाई मंत्री राम सूरत राय खड़े हैं ना, उनके स्कूल के अंदर से ही 2 ट्रक शराब बरामद हुई थी। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पुलिस FIR में इसका जिक्र भी है। मंत्री के नामजद भाई को आज तक बिहार पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये नीतीश कुमार की कथित शराबबंदी की सच्चाई है। इधर तेजस्वी यादव के इस हमले पर मंत्री राम सूरत राय ने पलटवार किया। राम सूरत राय ने तेजस्वी यादव से कहा है कि नेता प्रतिपक्ष पहले अपने भाई की करनी का जवाब दे। अपने पक्ष में बोलते हुए राम सूरत राय ने कहा, मेरे भाई के मामले की जांच पुलिस कर रही है और कोर्ट ने उन्हें बेल दे रखा है। बता दें कि बीते दिनों में जहरीली शराब पीने से बिहार के गोपालगंज में 17, बेतिया में 11 और मुजफ्फरपुर में 6 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले सिवान में 5 लोगों की मौत हो गई थी।